नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आपको जिस औषधि पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, दोस्तों इसकी आप पहचान करिएगा। दोस्तों, ये जंगलों में उत्पन्न होने वाला पौधा है और दोस्तों ये बरसात के सीज़न में उत्पन्न होता है और फिर अक्टूबर नवम्बर में फलता फूलता है। जी हाँ दोस्तों, इसके मैं पुष्प डंठलों की बात करूँ तो देखिए, इसके पुष्प डंठल कुछ इस तरह होते हैं। और दोस्तों, अगर मैं पत्तों की बात करूं तो देखिए, पत्ते कुछ इस तरह होते हैं। और दोस्तों, अगर मैं इसके फूलों की बात करूं तो देखिएगा, ये इस तरीके से नीले नीले कलर के इसके फूल होते हैं। दोस्तों, इसका नाम है नील जंगली तुलसी। जी हाँ दोस्तों, नील पुष्पा जंगली तुलसी है ये। और दोस्तों, इसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी खुशबू इतनी मनमोहक होती है कि अगर आप इसके पास से गुजर जाएंगे तो ये आपकी मन को मोह लेगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर आपने इसके पौधे को ज़रा सा भी टच कर लिया तो खुशबू से आपका तन बदन महक जाएगा। दोस्तों, ये है जंगली नील तुलसी। जी हाँ दोस्तों, नील पुष्प होते हैं इसके। और दोस्तों, मैं इसके कुछ फ़ायदे बताऊंगा जो बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये जो जंगली नील तुलसी देख रहे हैं ना, ये एक सैनिटाइज़र की तरह काम करती है। जी हाँ दोस्तों, ये देसी सैनिटाइज़र है। दोस्तों, आपको सैनिटाइज़र के लिए करना क्या है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, इसके आपके पत्तों को रगड़ लेना है। जी हाँ दोस्तों, इनके पत्तों को तोड़िएगा। कुछ आप इसके पत्तों को तोड़ ले, कुछ इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। ये आप कुछ इस तरीके से इसके पत्तों को तोड़ करके और दोस्तों हाथों से मसल लेना है। जी हाँ दोस्तों, हाथ से इसके पत्तों को मसल करके और अगर आप अपने शरीर पर लगा लेते हैं तो दोस्तों, ये शरीर में जो आपके बर तथैया काट लेती है, जो आपकी बिच्छू काट लेती है, तो दोस्तों ये तत्काल ही प्रभावशाली है। जी हाँ दोस्तों, बिच्छू बर तथैया के काटने पर अगर आप इन पत्तों को मालिश करके और रगड़ लेते हैं मसल करके, तो ये आपके बिच्छू बर तथैया के जहर को ख़त्म कर देती है। बहुत ही पावरफुल दिव्य जड़ी बूटी है ये जंगली नील तुलसी। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ, अगर आप कहीं जा रहे हैं और जाते जाते समय आपको मधुमक्खी बर तथैया आपको पीछा कर जाए या ऊपर सर पर बहुत ज़्यादा मंडराने लगे या आपको उसका काटने का भय हो, तब आप तत्काल ही इसके एक पौधे के डंठल को या एक पौधे को उखाड़ लें और अपने शरीर में जहाँ तहाँ इसको मार लें, यानी कि खुशबू लगा लें शरीर में और अपने ऊपर सिर के ऊपर इसको फेराते जाएं, तो कितने भी बर तथैया हो, छोटी हो या बड़ी हो, शहद वाली मधुमक्खी हो, छत्ता हो, कुछ भी हो, आपके शरीर में टच नहीं करेगी। ये इतनी प्रभावशाली है कि मधुमक्खी की औखात भी नहीं जो आपको काट ले। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पावरफुल दिव्य जड़ी बूटी है। और दोस्तों, जब इसके बीज होते हैं ना, तो इनके बीजों को अगर आप निकाल करके और 2 चम्मच बीज को शाम को अगर पानी में आप फुला देते हैं और सुबह अगर आप सेवन करते हैं, तो दोस्तों ये धातु पौष्टिक होती है। जी हाँ दोस्तों, ये धातु पौष्टिक होती है। ये वीर में स्पर्म की कमी को पूरा करती है। दोस्तों, जो ये आपके वीर में जो दोस्तों शुक्राणु होते हैं, उनकी ये वृद्धि कर देती है और कमज़ोर आदमी को भी ये हष्ट पुष्ट पहलवान बना देती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव होता है। दोस्तों, जो हमारे भाई शीघ्र ही डिस्चार्ज होते हैं, ऐसी अगर कोई बीमारी है आपको, तब आप इसे वन तुलसी यानी कि इसे नील जंगली तुलसी को ले लें और लेकर के दोस्तों आप इसका प्रयोग करें। इसके कौन से भाग को लेना है, या तो दोस्तों आपको इसके जड़ को लेना है या फिर इसकी बीज को लेना है। दोस्तों, बीज को लेने से आपका शक्तिशाली बॉडी बिल्डर बनेंगे, साथ ही साथ कमजोरी दूर होगी। और जड़ का प्रयोग पान के साथ करते हैं तो ये स्तंभन होती है। जी हाँ दोस्तों, स्तंभन जड़ी बूटी होती है ये। और इसके प्रयोग से गिरते हुए दोस्तों, गिरता हुआ जो आपका वीर है वो देर तक रुकता है। दोस्तों, ये बाजीकरण और ये स्तंभन होती है। दोस्तों, बहुत ही पावरफुल दिव्य जड़ी बूटी होती है ये। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से इसके गुण हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं इसके गुणों को फिर लेकर हाजिर हूँगा। और दोस्तों, अगर आपके यहाँ ये मिलती है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके यहाँ मिलती है तो आप इसका ज़रूर उपयोग करके लाभ पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।